हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारा न्यू टॉपिक, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट टू कॉम्पोनेंट। फर्स्ट इज एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड सेकेंड इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, अ लॉन्ग ट्यूब रनिंग फ्रॉम माउथ टू द एनस ऑफ ह्यूमन बीइंग इन विच डाइजेशन एंड द अब्सॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस। एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग ट्यूब है जो रन करती है फ्रॉम माउथ टू द एनस ऑफ द ह्यूमन बीइंग, और इसका प्रोसेस ये क्या करती है कि इसी एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन ऑफ फूड एंड अब्सॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस होता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर दी ग्लैंड्स विच आर एसोसिएटेड विद ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव ग्लैंड वो ग्लैंड्स हैं जो एसोसिएटेड होते हैं हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से और सिक्रीट करते हैं हमारे डाइजेस्टिव जूस। द एलिमेंट्री कैनाल इज डिवाइडेड इंटू वेरियस कंपार्टमेंट। फर्स्ट इज बकल कैविटी और माउथ, सेकेंड इज फूड पाइप और ईसोफेगस, थर्ड इज स्टमक, फोर्थ इज स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ इज लार्ज इंटेस्टाइन, सिक्स इज रेक्टम एंड सेवेंथ इज एनस। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, देर आर वेरियस डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इन दी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। फर्स्ट इज सलाइवरी ग्लैंड्स, सेकेंड इज पेनक्रियास एंड थर्ड इज लिवर। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। सो वी विल स्टडी हेयर द एलिमेंट्री कैनाल्स कॉम्पोनेंट और कंपार्टमेंट एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। So, the compartments of elementary canal are mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, and anus. And the digestive glands are salivary glands, liver, and pancreas. So, let's start with the first compartment of elementary canal, that is mouth or buccal cavity. द फूड इज टेकन इन टू द बॉडी थ्रू द माउथ। जो फूड है वो बॉडी में आता है थ्रू द माउथ, एंड द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड इन टू द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड डाइजेशन, यानी कि जो प्रोसेस है जिसमें फूड बॉडी इनटेक करते हैं, बॉडी में इनटेक करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। माउथ कंटेन टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। माउथ के तीन कॉम्पोनेंट हैं, फर्स्ट इज टीथ, सेकेंड इज टंग एंड थर्ड इज सलाइवरी ग्लैंड्स। द टीथ कट द फूड इन टू स्मॉल पीसेस, च्यू एंड ग्राइंड इट। जो टीथ है वो फूड को कट करेगा स्मॉल पीसेस में, च्यू करेगा और उसे ग्राइंड करेगा। द टाइप्स ऑफ टीथ एंड देयर फंक्शंस, फर्स्ट इंसीजर विच हेल्प इन कटिंग द फूड, सेकेंड कैनाइंस विच हेल्प इन टेयरिंग द फूड, थर्ड इज प्री मोलर विच हेल्प इन क्रशिंग एंड टेयरिंग द फूड, एंड फोर्थ मोलर्स दैट विच हेल्प इन चूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट वाटरी लिक्विड कॉल्ड सलाइवा। सलाइवरी ग्लैंड जो है वे एक वाटरी लिक्विड सिक्रीट करते हैं जिन्हें हम जिसे सलाइवा कहते हैं। द टंग हेल्प इन मिक्सिंग सलाइवा विद फूड। जो टंग है वो हेल्प करती है मिक्स करने के लिए सलाइवा को फूड से। एंड द सलाइवा इज अ डाइजेस्टिव जूस विच हेल्प टू डाइजेस्ट दी स्टार्च प्रेजेंट इन दी फूड पार्शियली। जो सलाइवा है वो एक जूस है जो हेल्प करता है जो फूड में जो स्टार्च प्रेजेंट है उसको पार्शियली डाइजेस्ट करने में। द स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड इज सॉलोड बाय द टंग एंड गोज डाउन इन टू द ईसोफेगस और फूड पाइप। जो स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड है वो सॉलो कर लेगी हमारी टंग और उसको उसको भेजेगी हमारे ईसोफेगस और फूड पाइप में। सेकेंड ईसोफेगस और फूड पाइप। ईसोफेगस इज अ ट्यूब विच कनेक्ट माउथ टू द स्टमक। ईसोफेगस एक ट्यूब है जो हमारे माउथ को हमारे स्टमक से कनेक्ट करता है। इट रन अलॉन्ग द नेक एंड चेस्ट। जो ये रन करती है अलॉन्ग नेक एंड द चेस्ट। ईसोफेगस कैरी स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक थ्रू अ वेव लाइक मूवमेंट विच पुशेज द फूड डाउनवर्ड्स टूवर्ड्स स्टमक। ईसोफेगस जो है वो हमारे स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड कैरी करता है फ्रॉम माउथ टू द स्टमक थ्रू द वेव लाइक मूवमेंट। एक वेव लाइक मूवमेंट होती है जो पुश करती है फूड को डाउनवर्ड टूवर्ड्स द स्टमक। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिले।
लास्ट क्लास में हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एलिमेंट्री कैनाल्स के दो कंपार्टमेंट पढ़ लिए थे। फर्स्ट इज बगल कैविटी और माउथ, एंड सेकेंड इज ईसोफेगस और फूड पाइप। और आज हम थर्ड कंपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट करेंगे, दैट इज स्टमक। स्टमक इज जे शेप्ड थिक वॉल बैग प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनम। स्टमक जो है वो जे शेप्ड का होता है और थिक वॉल्ड बैग प्रेजेंट होता है हमारी लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनम में। इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। जो स्टमक है वो वाइडेस्ट पार्ट है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का। इन स्टमक द फूड इज चर्न्ड फॉर अबाउट 3 आवर्स। जो स्टमक में हमारा जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड होता है वो चर्न होता है अबाउट 3 आवर्स। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस पीरियड ऑफ टाइम में द फूड इज ब्रोकन डाउन इन टू स्मॉलर पीसेज एंड मेक सेमी सॉलिड लिक्विड पेस्ट। ड्यूरिंग इस प्रोसेस के अंडर जो फूड है वो ब्रोकन डाउन होता है स्मॉलर पीसेज में और एक सेमी सॉलिड लिक्विड पेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक सिक्रेट म्यूकस, HCl एंड डाइजेस्टिव जूसेस। द इनर लाइन यानी कि इनर लेयर ऑफ स्टमक जो है वो सिक्रेट करती है म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द डाइजेस्टिव जूस। द फंक्शन ऑफ म्यूकस इज म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। जो म्यूकस है वो प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक को। सेकेंड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स एनी बैक्टीरिया विच में एंटर द स्टमक विथ फूड। जो HCl है वो बैक्टीरिया को किल करता है जो एंटर हो सकती है हमारे स्टमक में फूड के साथ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑल्सो मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो हमारे स्टमक में एसिडिक मीडियम बनाता है। डाइजेस्टिव जूसेस। डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट बाय स्टमक इन अ लाइनिंग ब्रोक डाउन द प्रोटीन प्रेजेंट इन आर फूड इन टू सिमिलर सब्सटेंसेस विच ओनली हैपन्स इन द एसिडिक मीडियम। देखिए, डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग से सिक्रीट होते हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंसेस में। और ये ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन ये तभी हो सकता है जब जो एसिडिक मीडियम हो, और एसिडिक मीडियम कौन बनाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। द पार्शली डाइजेस्टेड फूड देन गोज फ्रॉम द स्टमक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब क्या होता है कि पार्शली डाइजेस्टेड फूड जो है वो स्टमक से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ हाईली कॉइल्ड एंड अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो हाईली कॉइल्ड होती है और अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स सिक्रीशन फ्रॉम द लीवर एंड पैनक्रियास, बिसाइड इट्स वॉल्स ऑल्सो सिक्रीटेड जूस। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो रिसीव करती है सिक्रीशन फ्रॉम द लीवर एंड द पैनक्रियास, एंड ऑल्सो द स्मॉल इंटेस्टाइन वॉल्स ऑल्सो सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस। लीवर। लीवर इज अ रेडिश ब्राउन कलर ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनन ऑन द राइट साइड। जो लीवर है वो एक रेडिश ब्राउन कलर ग्लैंड है जो सिचुएटेड हमारे अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनन ऑन द राइट साइड। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। लीवर जो है वो एक लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी में जो सिक्रीट करता है बाइल जूस। क्या सिक्रीट करता है? बाइल जूस। और ये बाइल जूस जो है वो स्टोर होता है कहाँ पर? एक सैक में, जिसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। तो लीवर का फंक्शन क्या है कि लीवर जो है वो सिक्रीट करता है बाइल जूस जो स्टोर होता है हमारी सैक में, एंड द सैक इज कॉल्ड गॉल ब्लैडर। बाइल जूस जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द डाइजेशन ऑफ द फैट। पैनक्रियास। पैनक्रियास इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। पैनक्रियास जो है एक लार्ज क्रीम कलर ग्लैंड है जो लोकेट होता है जस्ट बिलो द स्टमक, जो बिल्कुल जस्ट स्टमक के नीचे होता है। एंड पैनक्रियास सिक्रीट पैनक्रियाटिक जूसेस विच एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन एंड चेंज देम इनटू सिंपलर फॉर्म। जो पैनक्रियास है वो सिक्रीट करते हैं पैनक्रियाटिक जूसेस जो एक्ट करते हैं फैट पर, कार्बोहाइड्रेट पर, प्रोटीन पर, और उनको ये जो फैट कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन है ये एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है, इनको कन्वर्ट करता है पैनक्रियाटिक जूस इनटू सिंपलर फॉर्म्स। नाउ
द पार्शली डाइजेस्टेड फूड रीच इज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द इंटेस्टाइनल जूसेस कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द फूड. अब जो हमारा पार्शली डाइजेस्टेड फूड था जो हमारे अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में था वो अब हमारे रीच करेगा लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन पर, जहाँ पर इंटेस्टाइनल जूस जो है वो कंप्लीट करेंगे डाइजेशन ऑफ ऑल द कॉम्पोनेंट ऑफ द फूड. द कार्बोहाइड्रेट ब्रेक्स इंटू सिंपलर शुगर दैट इज ग्लूकोज. द फैट ब्रोक डाउन इंटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन इज ब्रेक डाउन इंटू अमीनो एसिड्स. द सेकेंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड. द डाइजेस्टिव फूड नाउ पासिस फ्रॉम ब्लड वेसल्स इन द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. जो डाइजेस्टिव फूड है वो अब पास करेगा फ्रॉम ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन. ये हमने फर्स्ट जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब हमने 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स पढ़े थे, ये उसका फोर्थ स्टेप है. द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दीज आर कॉल्ड विलाई एंड सिंगुलर विलाइस. जो इनर वॉल है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको हम विलाई कहते हैं, एंड विलाई जो है वो इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टिव फूड. Each vilus has the network of thin blood vessel close to its surface. हर एक vilus के पास में एक thin network of blood vessels होगा close to its surface. The surface of each villi absorb the digestive food material. जो surface होगा villi का वो absorb करेगा digestive food material. अब जो जो absorbed substances होंगे वो transport होंगे via blood vessel to the different organs of the body. जो एब्जॉर्ब सब्सटेंसेज है वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं वाया ब्लड वेसल टू द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूज. अब वहाँ पर वो जो एब्जॉर्ब सब्सटेंसेज है वो यूज होंगे टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज सच एज प्रोटीन विच इज यूज विच इज रिक्वायर्ड बाई आवर बॉडी एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन. द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड unabsorbed enters the large intestine. अब यहाँ पर जो small intestine का function खत्म होता है कि अब जो undigested food है या unabsorbed food है वो चला जाएगा large intestine में. Large intestine is wider and shorter than small intestine. जो large intestine है वो wider है और छोटी है हमारी small intestine से. It is about 1.5 meter in length. जो लार्ज इंटेस्टाइन है अबाउट 1.5 मीटर है लेंथ में. द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टिव फूड मटेरियल. फंक्शन क्या है लार्ज इंटेस्टाइन का कि ये एब्जॉर्ब करती है हमारे वाटर और कुछ सॉल्ट्स को जो हमारे अनडाइजेस्टिव फूड मटेरियल में रह गए हैं. एंड द रिमेनिंग फूड वेस्ट, अब जो रिमेनिंग फूड वेस्ट है ना वो पास होगा इनटू द रेक्टम एंड रिमेन स्टोर्ड इन दी फॉर्म ऑफ सेमी सॉलिड फेशियस. अब ये जो रिमेनिंग फूड जो था वो पास होगा रेक्टम में और वो रहेगा रिमेन करेगा वहाँ पर एज अ सेमी सॉलिड फेशियस में. एंड द फेशियल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन. अब जो ये फेशियल मैटर है ये रिमूव होगा थ्रू द एनस, एनस के थ्रू टाइम टू टाइम में एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन. एंड इजेशन इज द लास्ट स्टेप जहाँ पर हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म होता है. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. मैं आपके लिए नए नए टॉपिक्स पर वीडियोस लाती रहूँगी.